अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है और इस रामनवमी पर भगवान श्री राम के सूर्य तिलक करने की तैयारी है। रामनवमी के अवसर पर होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल भी सफल हो गया है। अब ये तय हो गया है कि 17 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव ने बताया कि कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए थे। रविवार को मध्याह्न आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ तो किरणें रामलला के होंठों पर पड़ी। फिर लेंस को दोबारा सेट कर सोमवार को ट्रायल हुआ तो किरणें मस्तक पर पड़ी। इससे रामनवमी पर सूर्य तिलक का आयोजन अब तय माना जा रहा है। इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑटो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। यहां किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेंगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। 3 दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी है। इसका प्रसारण 100 LED स्क्रीन से पूरे अयोध्या में होगा। इससे पूर्व ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि इस बार सूर्य तिलक संभव हो पाना मुश्किल है। बता दें कि IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सिस्टम बनाया है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक देवदत्त घोष के मुताबिक ये सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप से किरणें मस्तक पर पहुंचेंगी। CBRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि रामनवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से तय होती है। सूर्य तिलक तय समय पर हो इसलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए हैं जो सेकेंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं। चंद्र और सौर कैलेंडरों के बीच जटिल अंतर की समस्या का हल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने निकाला है। रामनवमी पर राम मंदिर को करीब 50 क्विंटल देसी विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह के अतिरिक्त सभी 5 मंडपों, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गूढ़ी मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप समेत बाहरी दीवारों और शिखर को फूलों से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें देसी विदेशी करीब 20 प्रकार से अधिक फूल इस्तेमाल किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन जिस तरह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी उसी तरह रामनवमी पर यानी के 17 अप्रैल को भी पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए भी तैयारी चल रही है। हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा राम भक्तों पर की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।